यौम जश्न आज़ादी शायान शान और जोश जज्बे के साथ मनाने के लिए कबायली ज़िला और कसई में तकरीबात मुनाकिद करने के साथ साथ ADC शहबाज खट्टक ने परचम को शाई करते हुए कौमी परचम को सलामी दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। आज़ादी के मौका पर हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, वख्तत कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई। वख्तत कॉलोनी पुलिस ने वन व्हीलिंग करने वाले 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जश्न आज़ादी के मौका पर हवाई फायरिंग करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। हवाई फायरिंग करते हुए मुलजिमान की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान के कब्जा से 3 पिस्तौल और चलीदा गोलियां बरामद। मोहम्मद उस्मान टीपू मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है। हुकूमती अहकामात के खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SP इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू की SHO अफजाल रऊफ और पुलिस टीम को शाबाश। अलहमरा में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद सलीम ने दीगर अफसरान के हमरा परचम कुशाई की। बच्चों ने मिली नगमे और तकारीर पेश करके वतन अजीज से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कायदीन तहरीक के पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं, पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों का सिला है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा मोहम्मद सलीम सागर अलहमरा आर्ट के जरिए नई नस्ल को अपने कायदीन की खिदमत से आगाह कर रहा है। आज़ादी की कदर मुल्क कौम की खिदमत में पनहा है। आज़ादी वॉक, म्यूजिक परफॉर्मेंस, मुसवरी के मुकाबले, मिली नगमों के प्रोग्राम्स पेश किए गए। नुमाइश का इनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बच्चे से नुमाइश का इफ्तिताह कराया। नुमाइश में कायदीन तहरीक आज़ादी की तस्वीर अवेजा की गई। यौम आज़ादी तकरीबात में आवाम की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की।
पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की फैक्ट्री एरिया में जश्न आजादी के हवाले से तकरीब। DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी की हदायत। SP कैंट अवैस शफीक और SP कैंट इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिद ने मुलाजमीन के हमराह जश्न आजादी का केक काटा, मुबारकबाद दी। तकरीब में थाना फैक्ट्री एरिया में तायुनात तमाम अहलकारों ने शिरकत की। SP कैंट अवैस शफीक की कैंट डिवीजन में तायुनात अफसरान और मुलाजमीन को जश्न आजादी की मुबारकबाद। मुल्क कौम के तहफ़ की खातिर पुलिस अफसरान और पुलिस मुलाजमीन ने भी बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। लाहौर पुलिस जश्न आजादी की खुशियों में अपने भाइयों के साथ बराबर की शरीक है। SP कैंट अवैस शफीक। लाहौर से खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर से। सर्विसेज अस्पताल के शोभा एस्टेब्लिशमेंट के सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद इकबाल रिटायर्ड हो गए। गुज़िश्ता रोज इनके रिटायरमेंट पर एडमंड ब्लॉक में खसूसी अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई सदर पैरामेडिक्स मोहम्मद अरशद भट्ट, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट अजमल बुखारी, शब्बीर अहमद, असगर बदर, इरफान अफजाल, यूनस अवान, मोहम्मद नवीद, मोहम्मद सलीम, राना सईद, सुहेल अहमद, राशिद रिजवी, अकमल इमरान, अकील अहमद, आमिर हुसैन, हबीब अहमद, राव रियाज, मोहम्मद नदीम, मकसूद अहमद, मोहम्मद उस्मान समेत एडमिनिस्ट्रेटर और एस्टेब्लिशमेंट के दीगर मुलाजमीन और मोहम्मद इकबाल के अहले खाना ने शिरकत की। इस मौके पर सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद इकबाल की मुलाजमत के दौरान फर्ज शनासी और मुलाजमीन के लिए खिदमात का खराज तहसीन पेश किया गया। सूबाई सदर मोहम्मद अरशद भट्ट ने इस मौके पर कहा कि मोहम्मद इकबाल इंतहाई मेहनती हैं, मुलाजमत दयानतदारी और दिलजमई से सर अंजाम दी। बाइज्जत तरीके से रिटायरमेंट पर इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद इकबाल ने शानदार तकरीब के इनेकाद पर साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमेशा मेहनत और फर्ज शनासी को तरजीह दी, जिस पर खुदा का बेहद मशकूर हूँ। डिपार्टमेंट के दीगर साथियों के साथ एक फैमिली की तरह मिलकर काम किया। आखिर में सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद इकबाल को फूलों के हार पहनाए गए।